हमारा मंसूबा प्रताप को मारना नहीं है, हम तो चाहते हैं प्रताप को खराब करना। हम जानते हैं भाई, और जाएगा भाई हाइट कम करो। क्या यहाँ आप हमसे कुछ कहना भी चाहते, जैसे फूल हमारे साथ रहना नहीं चाहिए और हम उस पर दबाव की डाल सकते, या फिर ये या फिर वो, बहरहाल जो भी कहना कह दीजिए। हम खुश ये जान के क्या अच्छा असर पड़ रहा है इसका हमारे होने वाले बात। खैर आपका सवाल कि हमने प्रताप को जाने के लिए वन मर लेते तो हमारा मंसूबा प्रताप को मारना नहीं है, हम तो चाहते हैं प्रताप को खराब करना। कर मजा नहीं आया उस स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी। आपका सवाल कि हमने प्रताप को बच के जाने के लिए, हमारा मंसूबा तो प्रताप को मारना था ही नहीं, हम तो चाहते हैं प्रताप का नाम खराब, उसके अपने लोग मुखालफत करें, उसके अपने लोग मारे उसे, उसके अपने लोग अकेला कर देना चाहते हैं उसे। उठा कर ले गया वो फूल हमारे शादी के मंडप से उठा कर ले गया, हो गई बदनाम, हो चुकी बदनाम हमेशा हमेशा के लिए। और प्रताप के अपने राजपुताने के सभी लोग अभी मानेंगे कि प्रताप के दुल्हन को उसके मंडप से उसकी मर्जी के खिलाफ उठा कर गुनहगार समझेंगे सबसे। अपने राजपुताने में ये प्रताप अकेला रह जाएगा हमारे खिलाफ। छोड़ चुके हैं ही भाई, ये सब छोड़ चुके हैं प्रताप। ऐसा है कि सीक्वेंस ऐसा चल रहा है कि फूल कवर को किडनैप करके मैं ले आया था और उनके साथ मेरी शादी हो रही है, तो क्या होता है कि प्रताप आता है और प्रताप उसको छुड़ा कर ले जाता है। तो ये सीक्वेंस हम अभी शूट कर रहे थे कि कैसे मैं उसके बाद रिएक्ट करता हूँ, क्या मेरी स्ट्रैटेजी थी, कैसे मैंने प्रताप को जाने दिया, क्या होना था क्या नहीं होना था, बाकी थोड़ा बहुत सस्पेंस है जो कि ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता मैं। बट मोटा मोटा जो ये है प्लॉट कि फूल कवर से मेरी शादी हो रही है और प्रताप उसको लेकर चला गया। सर तो उस पर आपका क्या रिएक्शन है, मतलब देखते हो बहुत कुछ है पर एक्चुअल आपका क्या रिएक्शन है, आप अंदर से बता नहीं रहे हो क्या एक्शन मेरा कि अकबर का, अकबर का रिएक्शन तो यार ऑब्वियसली उसकी बीवी को लेकर जाएगा तो बुरा ही लगेगा ना, तो वैसे उसको भी बुरा लगा है। बट अब आगे स्टोरी में रिवील क्या होता है, कितना बुरा लगा है, कैसे बुरा लगा है, क्या उसका प्लॉट था, क्या उसने प्लान किया था सब कुछ, वो तो अब आई थिंक आगे के एपिसोड्स देख के पता लगेगा ऑडियंस को। जी हाँ, मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग चीज़ है बिकॉज बहुत चैलेंजिंग है मेरे लिए। पहली बार मेरे को ऐसा किरदार मिला जिसमें कि मुझे उर्दू बोलने का मौका मिला है जो कि मेरी लैंग्वेज डिक्शन के लिए बहुत ही अच्छा है। आज तक मैंने जितने भी रोल्स किए उसमें नॉर्मल हिंदी थी सारे मेरे सीरियल्स में पहले वाले, बट ये पहला शो है जो कि हिस्टोरिकल है, रियलिटी बेस्ड है और इसमें प्योर उर्दू यूज़ हुई है। उर्दू के साथ साथ जो हिंदी वो बोलते हैं उसको भी सीखने का मौका मिलता है, तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग एंड अ गुड थिंग। प्लस आई एम फॉर्चुनेट इनफ दैट आई गॉट दिस कैरेक्टर ऑफ अकबर। खुद ही बोलूँ मैं? हाँ ओके।
जी नॉर्मली तो मैं जैसे चंडीगढ़ से हूँ तो वहाँ पर गणपति होती नहीं थी इतना, मतलब इतना एनलार्जमेंट, इतना यू नो ग्रैंडर में नहीं सेलिब्रेट किया जाता जैसे बॉम्बे में होता है। पर जब से मैं बॉम्बे में तब से मोस्टली अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ उनके गणपति के विसर्जन पे जाता रहता हूँ। बट इस बार पहली बार इस साल हम खुद भी गणपति रख रहे हैं तो, और कल ही है गणपति विसर्जन, सॉरी चतुर्थी है ना, गणेश चतुर्थी, तो कल गणेश चतुर्थी है तो उसके लिए हम भी गणपति ला रहे हैं इस बार अपने घर। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, अब जैसे यहाँ से मौका मिलेगा जाके हम पहले गणपति जी को लेकर आएंगे घर पे। और विशेस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द गणपति विसर्जन एंड होप योर दिस गणपति ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ्स एंड यू बी हैप्पी एंड क्रिएट लव एंड स्प्रेड लव ऑल ओवर। थैंक यू।